अस्सलाम वालेकुम, महक ब्लॉग डिज़ाइन रेसिपी में आपका स्वागत है। तो और बताइए आप सब कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी अच्छे हैं। तो मेरे चलिए ब्लॉग बनाना मैं शुरू करती हूँ। तभी जो है हमारा नाश्ता हो चुका है और अभी हम बैठे हैं और अम्मी जो है अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि अम्मी क्या काम कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसा है, तो यहाँ पर जो है मम्मी बर्तन धो दे रहे हैं और फिर मैं जो है बर्तन लगवा दूँगी। मैंने जो है झाड़ू मार दिया है और यहाँ पर मम्मी जो है फटाफट से बर्तन धो देंगे। उसके बाद जो है ना फिर खाना बनाने की तैयारी करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने बॉटल जो है भरने थी तो मैंने बर्तन आधे लगवा दिए, मम्मी अभी आधे धो रहे हैं। तो मैं यहाँ मैंने सोचा चलिए जब तक कि मैं यहाँ पर बॉटल भर देती हूँ, तो यहाँ पर मैं फटाफट से बॉटल भर दूँगी। तो ऐसा है, तो यहाँ पे मैं फटाफट से जो है पूरी बॉटल जो है वो भर देती हूँ। तो ऐसा है ना, एक्चुअली गर्मी इतनी हो रही है ना कि प्याज भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ऐसा है, तो यहाँ पर हमारा जो है ना सारा काम हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो है मैं चॉपिंग बोर्ड ली और यहाँ पर फटाफट से जो है टमाटर काट दूँगी क्योंकि अम्मी बना रहे टमाटर की चटनी। तो अम्मी ने क्या कर दिए, एक तरफ जो है मैंने चावल जो है अम्मी चढ़ा दे रहे हैं। तो ऐसा है, तो मैंने बॉटल भर दिया तो मैंने बोली चलिए मैं जब तक जो अम्मी किचन साफ़ कर देंगे और उसके बाद में चावल चढ़ाएंगे मेरी, जब तक कि मैं टमाटर को जो है चॉप कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से टमाटर को जो है चॉप कर दूँगी। और एक जो है बहुत ही अच्छी वाली बात है जो कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी, तो ये है कि मेरे जो सब्सक्राइबर है वो थोड़े बहुत जो है बढ़ चुके हैं, जैसे कि 327 हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। तो ऐसे ही आपका जो सपोर्ट है आगे बनाए रखिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और थोड़े से जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब किया तो थैंक यू सो मच, और अभी तक जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए चैनल को और चैनल को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। बहुत ही मेहनत और बहुत ही मतलब इतने दिन बाद जो है सब्सक्राइबर जो है मेरे बढ़े। तो ऐसा है, तो यहाँ पर जो है ना मैंने अंडा जो है उबालने रखी है, यहाँ पे चावल जो है मैं चढ़ाने रख दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ना बहुत दिन मतलब इतने दिन मतलब के 3 साल, ये जून की 8 तारीख को जो है मुझे 3 साल हो जाएगा यूट्यूब पे और उसके बाद मेरे इतने सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो फिर भी मैं खुश हूँ कि चलिए कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही मेरी यूट्यूब की फैमिली बनी रही है। तो थैंक यू सो मच और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करिए और थोड़ा सा प्लीज़ एंड सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और लाइक करना भूलिएगा मत, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। तो ऐसा है, तो शुक्रिया आप लोगों का तहे दिल से। तो यहाँ पर जो है अम्मी जो है खोपरा जो है वो तोड़ रहे थे क्योंकि अंडे मीठी चटनी का जो है ना अंडा बनाएंगे और टमाटर की चटनी खाना बनाएंगे, तो ये हमारा डिसाइड था। एक्चुअली डेली का समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएं क्या बनाएं, डेली सोचने में ही रह जाता है कि क्या बनाएं, क्योंकि हर एक दिन पकाने का जो काम होता है ना बहुत टफ होता है मम्मी के लिए। तो ऐसा है क्योंकि फिर एक को पसंद आता है कभी एक को पसंद नहीं आता है, तो मम्मी को सोच समझ के सबको बनाना होता है। तो हम लोग बोलने चलिए मम्मी आज टमाटर की चटनी और मीठी अंडी का चटनी जो है वो बना दीजिए। एक्चुअली कहते हैं ना कंटिन्यूसली बात करते करते ना ज़बान एकदम फिसल जाती है, तो ऐसा थोड़ा एडजस्ट करिएगा आप लोग। तो आप लोग आगे तक के ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। तो आप लोग आगे तक के ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। यहाँ पर मैं फटाफट से प्याज को जो है चॉप कर दे रही हूँ और वहाँ पर जो है मम्मी लहसुन को जो है वो छील दे रहे हैं। तो ऐसा है, यहाँ पर लहसुन मम्मी छील देंगे और मैं यहाँ पे फटाफट से जो है प्याज को चॉप कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर मम्मी जो है मसाला पीस रहे थे, तो मैंने बोला चलिए जब तक कि जो है मैं बैठे बैठे जो है अंडा जो है उसको छील देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अम्मी ने अंडे को बॉईल कर दिए। उसके बाद में अंडा जो है वो ठंडा हो चुका है, फिर उसके बाद में इसके जो छिलटे वो मैं निकाल दूँगी। तो फिर मम्मी इसके अंदर जो है मसाला भरेंगे और उसको फिर
फ्राई करेंगे, हाँ मुझे इतना आइडिया नहीं, शायद फ्राई करेंगे। तो ऐसा है, यहाँ पे बन रहा है अंडा मसाला, तो ऐसा है। तो यहाँ पे फटाफट से जो है मैं अंडा जो है छील दूँगी और फिर मम्मी को दे दूँगी, तो मैं फटाफट से अंडा मसाला जो है बना देंगे। उसके बाद में मैंने वहाँ से झाड़ू मार दिया और फिर उसके बाद में मैं अब जो है ज़मीन पोछ दूँगी फटाफट से। तो यहाँ पर मैं फटाफट से जो है ज़मीन पोछ देती हूँ। मैंने जो है ज़मीन पोछ दिया है, यहाँ पे जो है अंडा मसाला वो बन रहा है और यहाँ पे अम्मी जो है टमाटर की चटनी को, इतनी मस्त टमाटर की चटनी बनी थी, तो यहाँ पे अम्मी टमाटर की चटनी को जो है तड़का देंगे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे और मुझे बहुत पसंद आई थी टमाटर की चटनी और हम लोग सबको बहुत अच्छी लगी थी। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ने टमाटर की चटनी को तड़का दिया, जो कि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी घर में। तो ऐसा है, तो अब हम खाना खा लेंगे और फिर ऐसा। तो हमने खाना खा लिया, मैंने रेस्ट किया थोड़ा देर, फिर उसके बाद मैं थोड़ी में फ़्रेश हो गई हूँ और फिर अभी मैं बोली चलिए मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। तो यहाँ पर अभी बज रहे कुछ 6 बज रहे थे कुछ, तो मगरिब की अजान अभी होने वाली है। तो ऐसा है, तो मुझे मैं अभी फटाफट से नमाज़ पढ़ लूँगी क्योंकि मैं अभी फ्रेश विश हो चुकी हूँ, तो मैं फटाफट से नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा रेडी हो जाऊँगी, उसके बाद में जो है मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो ऐसा है, तो आई एम बैक एंड मैं नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेडी हो गई और अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो ऐसा है, तो यहाँ पर मम्मी जो है ना किचन में कुछ बना रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं हम देखेंगे कि मम्मी क्या बना रहे हैं। तो ऐसा है, कुछ स्पेशल बन रहा है किचन में, तो ऐसा है, तो फटाफट से देखते हैं कि किचन में क्या स्पेशल बन रहा है, मम्मी क्या बना रहे हैं क्या नहीं। तो मैं आप लोगों से जो है शेयर करती हूँ कि आज क्या बन रहा है। तो यहाँ पर जो है शाम के टाइम पे बन रहे गर्मा गर्म भजी, तो यहाँ पर मम्मी बनवा रहे हैं भजी, तो यहाँ पर बहुत ही टेस्टी भजी बने थे। तो ऐसा है, तो यहाँ पर मम्मी भजी बना रहे, शाम के टाइम पर थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पर अब जो है, आज तो वैसे पानी का दिन था नहीं बट पानी आ गया, तो हमने सोचा चलिए कपड़े धो देते हैं। तो यहाँ पर जो है मम्मी जो है फटाफट से जो है कपड़े धो रहे हैं। तो ऐसा है, तो यहाँ पर हमारा सारा काम हो चुका है और बज रहे हैं कुछ 10:30। तो ऐसा है, तो अभी जो है हम फ्री होके बैठे हुए हैं घर पे, जैसे कि अम्मी टीवी देख रहे हैं, मैंने सोचा चलिए मैं ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं तो आप लोगों को हमेशा मेरी दुआ में याद रखती हूँ, तो आप लोग भी मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद रखना। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब करिएगा। और जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब किया थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया तो फटाफट से मुझे सब्सक्राइब करिएगा और मेरा वीडियो फुल वॉच करिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।